नमस्कार सभी को। सैनिक मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि राउंड फर्स्ट का जो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग हुई थी, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जिन जिन बच्चों को सीट अलॉटेड हुई है, उनकी अभी मेडिकल चल रहे हैं। आज जो वीडियो बनाई जा रही है, ये 4 अप्रैल 2023 को बनाई जा रही है। आज मेडिकल का लास्ट दिन है, आज उनको अपना रिपोर्टिंग करनी है। मेडिकल ख़त्म हो जाएंगे और 5 अप्रैल से यानी 5 तारीख से सेकेंड राउंड स्टार्ट होने की संभावना है। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से स्कूल की जो कट ऑफ है राउंड वन में क्या रही है, यानी मेरिट लिस्ट कहाँ पर लगी है, वो हम देखेंगे आज। तो फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रही, इसकी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। आज का हमारा जो स्कूल रहेगा वो रहेगा कुंजपुरा। हम डेली अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग स्कूलों की जो कट ऑफ लिस्ट है वो आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए आज देखते हैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा की जो है कट ऑफ राउंड वन में क्या रही। तो इसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिलिंग के पोर्टल पर जाना पड़ेगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्कूल इन्फॉर्मेशन और इसके नीचे आ जाएगा जस्ट स्कूल वाइज कट ऑफ राउंड वन। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो यहाँ आपसे मांगा गया है कि स्कूल वाइज जो कट ऑफ है वो आप कौन सी क्लास का देखना चाहते हो, क्लास 6th और क्लास 9th। तो सबसे पहले हम क्लास 6th का देख लेते हैं और इसमें स्कूल टाइप है वो लेते हैं हम सैनिक स्कूल। अब कौन से सैनिक स्कूल का हम करना है तो वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हमें सैनिक स्कूल कुंजपुरा का सेलेक्ट करना है। यहाँ से कैटेगरी में देखो, दो कैटेगरी हैं, एक तो होम स्टेट एक अदर स्टेट। यानी पहले हम होम स्टेट का देखते हैं। होम स्टेट में क्या है कि भी कैसे जो केवल और केवल हरियाणा के हैं उनके लिए क्या कट ऑफ रही, उसकी डिटेल हम देखेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए चलो नीचे आते हैं, देख लेते हैं। ये हमारे सामने डिटेल आ चुकी है, तो ध्यान से देखना बच्चों। जो सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा के अंदर है, स्टेट का नाम, और इसके होम डिफेंस जो आर्मी पर्सन थे, हरियाणा के जो आर्मी पर्सन थे जिन्होंने सैनिक स्कूल कुंजपुरा चूज किया था अपना फर्स्ट चॉइस में, उन बच्चों के जो हाईएस्ट कट ऑफ लिस्ट रही है, यानी कितने नंबर वालों का एडमिशन हुआ है, 256, 256 नंबर जिस बच्चे ने लिए हैं वो डिफेंस वाला हरियाणा के अंदर कुंजपुरा में अपनी सीट कन्फर्म कर चुका है, जिसकी रैंक 1979 थी। और गर्ल्स की जो बात करें डिफेंस में 263, यानी 263 जिस गर्ल्स ने डिफेंस कैटेगरी हरियाणा में अचीव किया है उसका एडमिशन भी इसमें हुआ है। क्लियर है। अब बात करें ओबीसी, यानी होम, ये तो डिफेंस होगा बच्चों, ये होम यानी जो हरियाणा के जो ओबीसी थे उनका क्या रहा भी, 249 जिस बच्चे ने अचीव किया है उसका एडमिशन हुआ है सैनिक स्कूल कुंजपुरा में। उसके बाद बात की जाए अगर ऑल इंडिया रैंक क्या रही है, 3306 ओबीसी के लिए है, और गर्ल्स की बात करें ओबीसी के अंदर तो 244 है। यानी बहुत अच्छी, मतलब हाईएस्ट गई है गर्ल्स की। गर्ल्स में कंपटीशन ज्यादा है, ज्यादा होने का कारण यह कि वहां पर सीटें क्या थी बच्चों, बहुत कम थी। ओके, अब बात करें सैनिक स्कूल कुंजपुरा के अंदर होम 80 की, यानी जो शेड्यूल कास्ट है उसकी कट ऑफ क्या रही है, वो रही है बच्चों 211। कितनी रही है, 211 रही है, जिस बच्चे ने 80 कैटेगरी के अंदर 211 नंबर लिए हैं उसका सिलेक्शन कुंजपुरा में हो चुका है। क्लियर बच्चों। और गर्ल्स की बात करें 236, 80 कैटेगरी में जिस गर्ल्स के 236 नंबर आए हैं उसका एडमिशन सैनिक स्कूल कुंजपुरा में कन्फर्म हो चुका है। क्लियर है। अब बात करते हैं अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है, तो इसमें काफी जो है मेरिट गई है, अभी कट ऑफ लिस्ट गई है 263, काफी हाईएस्ट गई है ये, ठीक है। जनरल की जो मेरिट है वो काफी गई है 263। रैंक की बात करें तो 1126 रैंक रही है इसमें, और गर्ल्स में भी काफी कड़ा कंपटीशन अभी मात्र और मात्र। अगर बात करें यहाँ बॉयज में 263, लेकिन गर्ल्स का इससे भी ज्यादा है 266। तो गर्ल्स का कंपटीशन हर फील्ड में ज्यादा रहा है, कारण यही है कि सीटों की संख्या का कम होना। तो एक बार दोबारा देख लेते हम कि होम के अंदर या डिफेंस कैटेगरी में 256 वाले का एडमिशन हुआ है, ओबीसी में 249 वाले का एडमिशन हुआ है, और 80 वाला जो कैंडिडेट था उसका 211 में एडमिशन हो चुका है। और बात करें जनरल की, तो जनरल की मेरिट रही है बच्चों 263। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सैनिक मेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और भी
वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पर। अगला जो स्कूल होगा हमारा वो होगा सैनिक स्कूल रेवाड़ी। अब धीरे धीरे करते हर जो हमारे जो स्टेट के स्कूल हैं उनकी सबकी हम कट ऑफ लिस्ट आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नए जो वीडियो चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।